मेरी धनों का ध्यान रखना, ठीक है? बिल्कुल धनों, बिल्कुल। थैंक यू। अभी ये कांड होते होते रह गया था मेरा ना, मैं कैमरा उस टेबल पर। शेयर्ड गैंगटॉक के लिए शेयर टैक्सी में आ रहा हूँ, मतलब पिछवाड़ा पूरा फ्रीज हो गया है। तो जनाब सीन ये है कि हमको गैंगटॉक पहुँचने में लगभग 700-800 की रेंज में आपको अच्छे होटल, मतलब अच्छे तो नहीं। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम हिमांशु है और मैं आप ही की तरह सीधा साधा बंदा जो जॉब के साथ साथ ट्रैवल करता है। और आज मैं निकल गया हूँ एक नई जर्नी के लिए। मुझे छोड़ने आया है पुनीत, मेरा बचपन का दोस्त। हेलो। इसके साथ भी हमने कुछ वीडियोस बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। पीछे पुनीत की वाइफ और ये गिन्ना। गिन्ना कहाँ गई? और जर्नी, थैंक यू सो मच यार। ठीक है, बाय बाय पुनीत, मेरी धनों का ध्यान रखना, ठीक है? बिल्कुल धनों, बिल्कुल बिल्कुल सही रहेगी, टेंशन ना लो। ठीक है दोस्तों, चलता हूँ मैं अंदर, फिर आपको मिलता हूँ सीधे चेकिंग करने के बाद। सो गाइस, सिक्योरिटी चेकिंग मैंने कर लिया और मैं अंदर आ गया हूँ। बड़ी मुसीबत हुई बिकॉज काफ़ी सारा सामान था, मेरे पूरा एक कैमरा बैग था तो सारा निकालना था, और ऊपर से फिर ड्रोन के भी पंगे फंसे थे। उसके लिए मैं बताता हूँ आगे जाकर इन्फॉर्मेशन, ड्रोन से अगर आपको आना है तो ड्रोन के साथ कैसे आ सकते हो, है ना। और अभी फिलहाल मैं फटाफट कुछ खा लेता हूँ, उसके बाद फिर मेरी फ्लाइट 9:25 की है और बोर्डिंग ऑलमोस्ट, बोर्डिंग गेट आई गेस ओपन हो गया, सो बेटर टू रीच ऑन टाइम। थैंक यू। सुबह 5:30 बजे उठ गया था मैं, सुबह से लगा हुआ हूँ, बस बहुत तेज की भूख लगी है अभी, और अभी 8:30 हो गया और 9:30 की बोर्डिंग भी है, मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। अभी ये कांड होते होते रह गया था मैंने ना, अपना कैमरा उस टेबल पर रखा था जहाँ पर मैं खाना खा रहा था ना, तो एक्चुअली टेबल ढक रहा था, तो कैमरा धड़ से नीचे गिरा उसी में टेबल पे, और उसका लेंस, कैमरे का लेंस जाके लगा एकदम से, मेरा दिल पूरा भर आ गया था, मुझे लगा आज तो हो गया कांड। बट समहाउ थम्स अप टू सोनी फॉर सच ए गुड बिल्ड क्वालिटी। सो गाइस, मैं बता रहा था ना आपको ड्रोन के बारे में, आई थिंक ड्रोन के लिए ना एक अलग वीडियो बनानी चाहिए। तो ऐसा करता हूँ, मैं एक ड्रोन के लिए अलग वीडियो बना दूंगा प्रॉपर, कि अगर आप ड्रोन लेकर आ रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है और कैसे कैसे करना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वो देख लेना। और फिलहाल आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ बागडोगरा, ठीक है? बागडोगरा में लैंड करूँगा, वहाँ से फिर मुझे, तो बागडोगरा में लैंड करके मुझे वहाँ से गैंगटॉक जाना है। तो गैंगटॉक जाने तक के लिए मुझे वहाँ से कोई टैक्सी बुक नहीं है और ना कि गैंगटॉक में होटल्स बुक है, सारा कुछ मैं वहीं करने वाला हूँ। तो मैं आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि कैसे जाना है और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है बागडोगरा से गैंगटॉक जाने के, और वहाँ पर होटल्स क्या क्या अवेलेबल है वो भी आपको पता लगने वाला है, तो वीडियो में बने रहें। तो गाइज़, मैं पहुंच गया हूं बागडोगरा एयरपोर्ट, और यहां पहुंचते ही मुझे अपना पुराना ट्रिप याद आ गया। मैं जब भूटान गया था तो तब भी मैं यहीं लैंड किया था, उसके बाद यहां से हम लोग फुनसोलिंग के लिए निकले थे, उस टाइम भी हम लोग यहां से सिलीगुड़ी गए थे बिकॉज वहां से जयगांव फुनसोलिंग के लिए बस चलती थी। तो अभी मुझे फिर से सिलीगुड़ी जाना है, वहीं से मुझे बस मिलेगी गैंगटॉक की, और शेयर टैक्सीज वगैरह वहाँ पर अवेलेबल रहती हैं। यहाँ पर कुछ अभी एक समस्या ये है कि कुछ यहाँ पर कुछ ब्रिज टूटा हुआ है तो घूम के जाना पड़ रहा है, तो जो ऑटो वाले हैं और टैक्सी वाले काफ़ी ज़्यादा रेट बोल रहे हैं, यहाँ से 1000 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये से नीचे कोई नहीं बोल रहा है। तो मैंने सोचा थोड़ा एयरपोर्ट से थोड़ा बाहर निकल जाऊँ, बाहर निकल के मेन रोड में वहाँ पे पता करता हूँ कोई शेड ऑटो मिल जाता है तो। अगर सिलीगुड़ी जाने से आपको यहाँ से साधन बस भी मिलेगा। बस कहाँ से मिलेगा? बिहारमुख से मिलेगा, जहाँ का किराया, जहाँ का किराया 50 रुपया है, वहाँ से आपको लोकल जो बस सवारी वाला है ना वो आपको सिलीगुड़ी। तो बिहार मोड़ अगर आप जा सकते हैं तो वहाँ से आपको बस भी मिल जाएगा। बस का किराया कितना होता है? ये नहीं पूछा, 20-30 रुपये में आप बहुत सस्ते, अगर बहुत सस्ते में जाना है तो बिहार मोड़ बताया ना, तो बिहार मोड़ के लिए आप यहाँ से जाओगे तो 50 रुपये ऑटो लेके बिहार मोड़ पहुँच जाओ, और बिहार मोड़ से 20-30 रुपये में आपको सिलीगुड़ी बस स्टैंड पहुँचा देंगे। बट अगर आपके पास लगेज है और अगर आप वैसे प्राइवेट ऑटो में जाना चाहते हो या शेयर ऑटो में जाना चाहते हो तो उसके लिए 200 रुपये बोल रहे हैं। बार्गेनिंग करते करते लास्ट जो ऑटो मुझे मिला वो 150 रुपये का मिला, भैया ने बिठा दिया, इनकी सीट सवारियाँ पूरी हो गई थी। भैया क्या नाम है आपका? दिलीप घोष। दिलीप क्या? दिलीप घोष। दिलीप घोष जी ने बिठाया है 150 रुपये में, तो ये हमको L&T छोड़ेंगे। L&T ना, L&T कहाँ ना? L&T सब है वहाँ से आपको उठा देंगे। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो गया। तो L&T से हमें वहाँ से शेयर टैक्सी मिल जाएगी
सो गाइस अभी मैं पहुंच गया हूं गैंगटॉक स्टैंड पे। तो अगर आप लोग जब बागडोगरा एयरपोर्ट से आते हो शेयर टैक्सी या शेयर ऑटो में, तो आपको बस स्टैंड नहीं बोल के सिलीगुड़ी गैंगटॉक स्टैंड बोलना है। तो यहां पे कई सारी जीप लगी होती हैं, सुमो वगैरह लगी होती हैं शेयर गैंगटॉक के लिए। और अभी बजने वाला है एक, और अभी कोई गाड़ी यहां पर आई नहीं है, तो अभी हम वेट कर रहे हैं कोई गाड़ी आए तो फिर यहां से गैंगटॉक के लिए हम शेयर बने। और बाकी जो किराया है मैं अभी आपको पूछ के बताऊंगा। जो मुझे ऑटो वाले ने बताया था तकरीबन 450 रुपये बताया था, तो वो बोला था कि 500 से अंदर ही होना चाहिए, 500 से कम होना चाहिए। लेट्स सी। सो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं तारखोला। तारखोला में यहाँ पे थोड़ा खाने के लिए एक टैक्सी वाले ने रोका था, तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हमने खाना वाना खाया। हालांकि खाना मुझे यहाँ का काफ़ी इकोनॉमिक लगा, मतलब इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं था और ठीक ठाक क्वांटिटी भी थी और अच्छा भी था। तो अब बात कर लेते हैं टैक्सी के किराए की। जब आप टैक्सी बुक कराने जाते हो वहाँ पे, जहाँ पे मैं था उस टाइम पे, तो वहाँ पे दो चीज़ें होती है। एक तो कि एक बंदा वहाँ पे खड़ा रहता है कि टिकट 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 करके, और दूसरा आप काउंटर के थ्रू भी करा सकते हो, ऐसा मुझे अभी किसी लोकल ने बताया जिनके साथ मैं आ रहा हूँ। तो मैंने जो कराया था मैंने उस बंदे के थ्रू कराया था, तो मुझे 500 रुपये पड़ा। बट उस लोकल बंदे ने बताया कि अगर आप उस काउंटर के थ्रू कराते हो तो आपको 450 के आसपास पड़ेगा। तो ये चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं, जब भी अगर आप अकेले आ रहे हो तो वहाँ पे एक बार काउंटर में क्रॉस चेक कर ले कि उसका टिकट का प्राइस कितना है। शेयर टैक्सी में आ रहा हूँ, मतलब पिछवाड़ा पूरा फ्रीज हो गया है, पीछे वाली सीट मिली है लास्ट वाली, तो वो एक थोड़ा सा सीन है। आगे वाली सीट बेटर है, एमजी रोड तक नहीं छोड़ा इन्होंने। मैंने बोला कि वहाँ पे पुलिस वाले रोकने नहीं देते हैं। वहाँ पे देवरेल करके जगह है, यहाँ पे छोड़ा हुआ है, यहाँ से एक दूसरी टैक्सी लेनी पड़ती है। तो यहाँ से हम दूसरी टैक्सी करके जाएंगे। तो जनाब सीन ये है कि हमको गैंगटॉक पहुँचने में लगभग 6-6.5 घंटे लगते हैं, और वहाँ से जैसा कि मैंने बताया था अलग से टैक्सी करनी पड़ी, जिसका चार्ज हमें 20 रुपये पड़ा। उसने हमें एमजी मार्केट में छोड़ दिया था। बट अभी जो जिस भैया के साथ मैं आया था, जो हमारे साथ आ रहे थे गगन भाई, तो उन्होंने बताया कि अगर एमजी मार्केट की साइड होटल लेंगे तो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो हम नीचे उतर गए हैं पाथवे से, तो वहाँ से नीचे कुछ होटल्स हैं उन्होंने बताया। तो अभी मैं जाके वहाँ पता करने वाला हूँ क्या रेट है, क्या है, कैसे हैं होटल्स। तो मैं आपको बताऊँ कि क्या अगर बजट में अगर आपको रहना है तो क्या होटल्स यहाँ पे हो सकते हैं बेस्ट। तो चलिए देख के आते हैं। तो भाई जो आपको ये सीढ़ियाँ दिख रही है ना पीछे, यहाँ से हम नीचे उतरे थे, और यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं लाइन बारी से, और काफ़ी चीप है। 700-800 की रेंज में आपको अच्छे होटल, मतलब अच्छे तो नहीं, एवरेज होटल मिल जाएंगे। अगर आपको सिर्फ एक नाइट स्टे करना है, सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना है, तो बस मेरे केस में मुझे कल सुबह यहाँ से सीधे निकलना है, सिर्फ आज रात का स्टे है। इसलिए मैंने सोचा कि ज़्यादा पैसे खर्च करने का क्या मतलब होता है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे 700 रुपये का होटल पड़ा है, कोई नाहन होटल करके, तो वहीं स्टे कर रहा हूँ। तो अभी फिलहाल थोड़ी देर में अभी हम जाएंगे एमजी मार्केट, वहाँ पे खाने पीने का जुगाड़ देखते हैं। तो भाई रूम वगैरह करने के बाद हम लोग अभी एमजी मार्केट में आ गए हैं, तो हमने सोचा थोड़ा घूम लेते हैं। बाकी यहाँ का डिटेल टूर तो मैं आपको व्हाट्सएप से दूंगा। और यहाँ से जाने के बाद हम लोग डिनर वगैरह करने वाले हैं, और गोपाल भाई को कल वापस सिलीगुड़ी जाना है, और मैं निकल जाऊँगा गुरुद्वार मार्ग लेक के लिए। तो भाई गुड मॉर्निंग गाइस। सो अभी तकरीबन 8:15 हो चुका है और हम लोगों ने चेकआउट कर लिया है। तो अभी यहाँ से क्या है, सीन की गैंगटॉक से मुझे जाना है बाजरा। ठीक है गोपाल भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, दोबारा फिर कभी मिलेंगे, है ना। तो फिलहाल हमने यहाँ से अपना सफ़र शुरू कर दिया है, और हमारे साथ कुछ नए साथी भी जुड़े हुए हैं। भाई कहाँ से आए आप लोग? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सर, MP। मैं पूछना चाहूँगा अपने दोस्तों से कि कैसा लगा आपको, कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि मेरा तो फर्स्ट टाइम था इंटरनेशनल वाटर, मुझे काफ़ी अच्छी।